अलैकुम दोस्तों, ईद की आमद आमद है और ईद के मौके पे लड़कियों की सबसे स्पेशल चीज़ होती है मेहंदी और चूड़ियाँ। तो उम्मीद है आप लोगों भी लगाते होंगे। कोई ऐसी लड़की शायद ही हो जिसको मेहंदी ना पसंद हो या चूड़ियाँ पहनना पसंद ना हो, वरना तो हर लड़की को ही चूड़ियाँ और मेहंदी पसंद है, जो खुद बहुत पसंद है। चांद रात की सबसे स्पेशल बात यही होती है कि चूड़ियाँ पहनी जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, और जब सुबह को ईद के दिन उठते हैं तो मेहंदी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि मेरी सबसे फेवरेट वो खुशबू होती है। ईद का पता चलता है कि हाँ भाई, वाकई आज ईद है। मेहंदी वाले हाथों से शीर खुरमा खाने का तो अपना ही मज़ा है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेहंदी के कुछ बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइन, जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप इनको देख कर भी डिसाइड कर सकते हो कि आपने कौन सी मेहंदी लगानी है, और इनसे आइडियाज़ ले सकते हो कि आपको किस किस्म की मेहंदी पसंद है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा भरे हुए डिज़ाइन हैं जो ब्राइड्स को लगाए जाते हैं, या शादीशुदा ख़वातीन भी जब वो मेहंदी लगवाती हैं ईद के मौके पर, तो वो ज़्यादा भरी हुई मेहंदी लगाती हैं, जो फुल हाथ पे, क्योंकि वो शादीशुदा होती है तो हर चीज़ मतलब कहती है कि ज़्यादा लगाएं मेहंदी। लेकिन जो लड़कियाँ हैं, जो टीनेजर गर्ल्स हैं, वो हल्की फुल्की मेहंदी पसंद करती हैं लगाना। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आज के डिज़ाइन में से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी मेहंदी लगानी है, कौन सा डिज़ाइन आप पे सूट करेगा। कपड़े आपने कौन से पहने हैं उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। कुछ लोग जो है चूड़ियाँ नहीं पहनती लड़कियाँ, तो मेहंदी भी कुछ लोग इतनी पसंद नहीं करते। जो तो हैरत होती है लड़कियों पर जिनको मेहंदी पसंद नहीं है। खैर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेहंदी पसंद है या नहीं पसंद, और आपकी चांद रात कैसे गुजरती है। क्या आप लोग भी सब कज़न मिल के मेहंदी लगाने के लिए बैठती हो या फिर पार्लर पे जाते हो। वैसे ये पार्लर्स वाला तो अब रिवाज ज़्यादा हो गया, बट पहले ये होता था कि सब घर की जो लड़कियाँ होती हैं सब मिल के बैठ जाती थी, और जिसको भी थोड़ी सी मेहंदी लगानी आती थी ना तो वो लगाती थी, बल्कि जिसको नहीं भी लगानी आती थी ना वो भी बैठ जाती थी लगाने। और जैसी भी लगती थी ना, बस ये शौक होता था कि चलो जी, हाथ तो कलरफुल तो हो गया ना, और मेहंदी के डिज़ाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन अब जब आजकल जब देखा जाए तो पार्लर पे जाना एक ट्रेंड बन चुका है। चांद रात पे पार्लर्स में इतना रश होता है, हर कोई पार्लर में जा रहा होता है, और लड़कियाँ घर में मेहंदी नहीं लगाती हैं, कहती हैं कि जो हम तो पार्लर में जाके लगाएंगे। लेकिन बिलीव मी, अगर आप घर में लगाएं ना, कज़न मिलके, घर की जितनी लड़कियाँ मिलके बैठ के मेहंदी लगाएं, इतना अच्छा लगता है ना, वाकई लगता है कि चांद रात है। मिलके बैठना और कुछ ना कुछ पका लेना, कुछ, क्योंकि सुबह ईद होती है तो ईद की तैयारी भी हो जाती है, मिलके एक दूसरे से कपड़े डिस्कस करना, एक दूसरे के मेहंदी एक दूसरे से डिस्कस करना, चूड़ियाँ, और बहुत प्यारा माहौल बन जाता है। वो एक सकाफती हमारा जो है ट्रेडिशनल, वो अब बहुत कम होता जा रहा है, बहुत ख़त्म होता जा रहा है। कुछ घरों में अभी भी हैं, हमारे घर में आप देखो तो हमारे घर में कोई भी पार्लर पे नहीं जाता, सब घर में लगाते हैं। मेरी, क्योंकि मेरी कज़न को लगानी आती है तो वो सबको लगा देती है। लेकिन अगर वो ना भी हो तो भी, क्योंकि वो ईद चांद रात को वो भी बिज़ी होती है, बहुत लोग उससे लगाने आते हैं, तो अगर वो ना भी लगाए तब भी हम लोग पार्लर नहीं। इन खूबसूरत डिज़ाइन में से आप पसंद कीजिए कि आपको कौन सी मेहंदी।